आदत यानी कि हैबिट। ये जो वर्ड हैबिट है, इसे अगर समझ लिया तो ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर तुमने अच्छी आदत डेवलप नहीं करा तो बुरी आदत अपने आप आ जाएगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। किसान अपने खेतों में सही समय पर बीज बोता है तो उसमें वही फसल उगेगा जो उसने बोया था। अगर किसान खेतों में कुछ ना बोए तो भी उसमें घास झाड़ी और भी बहुत कुछ अपने आप उग जाएगा। ठीक उसी तरह से हमारा ब्रेन भी काम करता है। अगर इसे अच्छी सोची समझी वर्क दोगे तो पहले ये इग्नोर करेगा, फिर उसे वही काम दो ये फिर इग्नोर करेगा, लेकिन अंततः वो उस काम को करने पर मजबूर हो जाएगा और काम करना स्टार्ट कर देगा और वही काम आदत में बदल जाएगा। एक हाथी जो इतना बलशाली होता है, एक छोटी सी रस्सी कभी नहीं तोड़ पाता। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल वो तोड़ सकता है, लेकिन वो कोशिश ही नहीं करता। कोशिश क्यों नहीं करता? हाथी जब छोटा होता है तो वो कई बार कोशिश करता है लेकिन उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि उस समय वो रस्सी हाथी के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए वो उसे तोड़ नहीं पाता और अंततः वो कोशिश करते करते हार जाता है और उसे विश्वास हो जाता है कि मैं इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकता और वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। इसी सोच के साथ वो बड़ा होता है और अब वो इतना बलशाली भी हो जाता है कि वो रस्सी को मात्र एक झटके में तोड़ सकता है, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा विश्वास होता है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, इसलिए वो कोशिश ही नहीं करता। लेकिन ऐसा है? बिल्कुल नहीं। अब रस्सी को तोड़ने से पहले उसे उस विश्वास को तोड़ना होगा, उस आदत को तोड़ना होगा, उसके बाद ही वो रस्सी टूट सकेगा। ठीक इसी तरह हमारा दिमाग भी होता है। जिस भी बात पर विश्वास करोगे, हमारा दिमाग उस कार्य को करने में जुट जाता है और पूरे दिन वही सोचता है, चाहे आप सो रहे हो या कोई काम कर रहे हो, लेकिन दिमाग अपने कार्य में जुटा रहता है। तो मेरे दोस्तों, कोई ऐसा आदत बनाओ जो आपको आगे ले जाए। अगर अच्छी सोची समझी आदत नहीं बनाओगे तो बुरी आदत बनानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक बन जाती है। मोटिवेशनल बुक्स और मोटिवेशनल वीडियो आपके मन में एक छोटी सी दिया जलाती है। अगर इस दिए से अपने जीवन में उजाला करना चाहते हो तो आदत का ज्वालामुखी बनाओ। एक ही अच्छी आदत जीवन बदलने के लिए काफ़ी है। आदत आपको खुद चूज करना होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सी ऐसी आदत है जिसे आज से ही बदलना चाहोगे।